आज आखिरकार पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने भी केबीसी द्वारा कल दिखाई गई खबर पर मोहर लगा दी। कल केबीसी न्यूज द्वारा दिखाया गया था कि जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दियारा क्षेत्र के दो कुख्यात अपराधियों रामनिवास यादव और विपिन यादव उर्फ दीपेन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर पर आज मोहर लगाते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिला पुलिस द्वारा दियारा क्षेत्र से अपराधियों के आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसी टास्क फोर्स ने पहले भी मोहन ठाकुर गिरोह के 20 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो जैसा तुम लोग एक भैया खटाइएगा। हाँ भैया ले देखो सर, थोड़ा सामने दिखा दे। इसी क्रम में इस टास्क फोर्स द्वारा कल मनिहारी मिर्जापुर के रहने वाले 50,000 के दो इनामी कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन दोनों कुख्यात अपराधियों रामनिवास यादव और विपिन यादव के पास से 49 जिंदा कारतूस सहित दो देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कटिहार पुलिस के द्वारा जिले के टॉप 10 और 50,000 रुपए का इनामी दो अपराधी को गिरफ्तार किया गया है विशेष छापेमारी दल के द्वारा। ये दोनों अपराधी जो है मनिहारी दियारा के लिए आतंक थे। ये लोग 2021 में सितंबर महीने में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक एक्स आर्मी मैन की भी हत्या हुई थी। उसी में ये दो मुख्य अभियुक्त थे, ये फरार चल रहे थे और इन पर जो है 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से दो देसी लोडेड कट्टा है, दोनों के पास से एक एक बरामद हुआ है और 49 पीस .315 जिंदा कारतूस जो है वो है और एक मिस फायर का है और 4 मोबाइल है इन लोगों के पास से बरामद हुआ है। इन दोनों का लगभग आधा दर्जन जो है आपराधिक इतिहास पूर्व का भी है, तो ये कहीं ना कहीं एक राहत की सांस है वहाँ के लोगों के लिए। उस दियर में जो किसान है, जो खेती करते हैं, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, अभी कुल हम लोगों ने फेस्टिवल के बाद 10 दिनों के अंदर 4 50,000 के इनामी जो है उनको जो है हम लोगों ने कटिहार पुलिस के विशेष छापेमारी दल द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये हमारा जो अभियान है ये जारी रहेगा। डियर क्षेत्र में हमारी जो पुलिस की दबिश है, गश्ती है, वो जारी रहेगी ताकि हम लोग किसानों को एक शांतिप्रिय माहौल दे सके जिसमें वो अपना काम कर सके। ये दोनों अपराधी अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर पूरे दियारा क्षेत्र में आतंक मचा रहा था। ये किसी की कलाई की फसल बंदूक की नोक पर लूटवा देते थे और जहां मन चाहे किसी के खेत में भी कलाई छिटवा कर वहां दूसरे लोगों से खेती करवा देते थे। इन सभी कुख्यात अपराधियों की तलाश पुलिस को 2017 से ही थी। 2021 में भी इन दोनों अपराधियों ने एक्स आर्मी मेन महेश यादव और उसके छोटे भाई सुनील यादव की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने आगे बताया कि सर जो आप देख रहे हैं, हम लोगों ने मोहना ठाकुर गिरोह के 20 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक। ये मनिहारी दियारा के जो ये दोनों आतंक है, ये 50,000 के इनामी, इनको भी गिरफ्तार किया हम लोगों ने। तो जो व्यवस्था की गई है वो मुख्यालय के आदेशानुसार जिला के स्तर से भी जो है जो व्यवस्था की गई है कि टेम्प्रोरी हम लोगों ने एक कैंप भी वहाँ पर बनाया है मोहना चांदपुर में और एक नदी थाना भी बनाने का प्रस्तावित है, जिसमें कि हमारी लगातार जो है नाव से हमारी पेट्रोलिंग होगी लगातार। अभी हम लोग कर रहे हैं नाव से और उस समय जो है और भी हम लोग इसको बढ़ाएंगे ताकि दियारा में हम लोग एक शांतिपूर्ण माहौल दे सकें। दियारा क्षेत्र से अपराधियों के आतंक को खत्म करने के लिए जहां दियारा क्षेत्र में पुलिस कैंप लगाया गया है, वहीं दियारा के नदी पार इलाके में नदी थाना बनाने का भी प्रस्ताव है ताकि इस क्षेत्र के किसानों को अपराधियों के आतंक से मुक्ति मिल सके।